बचाओ बचाओ कोई बचाओ। अरे ओ कलवा देख मैं कैसे पतंग उड़ाता हूँ। कप्तान कप्तान कप्तान। गब्बर क्या हुआ ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? कप्तान लगता है इसने अपना चेहरा शीशे में देख लिया। कप्तान मुझे लगा उस टापू पर खड़ी लड़की इशारों से मुझे बुला रही है। तो मैं भागकर उसके पास गया पर वो तो पतंग का मांजा लपेट रही थी। तो फिर याद आया आज तो मकर संक्रांति है। गब्बर हम यहाँ कब से पतंग बना रहे हैं? अरे कलवा पतंग बनाना किसी के भी बस का काम नहीं है, उसके लिए मेरे जैसे इंजीनियर लुटेरे की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर तो सुना था पर ये इंजीनियर लुटेरा क्या चीज है? इस डिग्री को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये डिग्री सिर्फ सरदार जैसे महान लोगों के लिए है। क्या? और नहीं तो क्या, अभी पतंग बना के देता हूँ। तुम सब बनाओ पतंग मैं जाता हूँ। कप्तान आप भी हमारे साथ पतंग उड़ाइए। बिल्कुल नहीं, इन पतंगों के साथ मेरी बहुत बुरी यादें हैं। अरे कप्तान कैसी यादें? अब क्या बताओ, क्या नहीं था मेरे पास, पतंग थी चरखी भी थी, बस उसके घर की ओर कभी हवा ही नहीं चली थी। बुरा हुआ कप्तान बहुत बुरा हुआ बुरा हुआ बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे? कप्तान मेरी अच्छी दुआ है हमेशा आपके साथ है। हाँ कप्तान आप चिंता मत कीजिए, ठुकरा के कप्तान की पतंग अब वो कप्तान का इंतकाम देखेगी। संभा स्वर के बच्चे चुप हो जा। कप्तान आप आराम कीजिए अब। हाँ ठीक है, बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या घंटा बुरा हुआ? अरे यार मुझे तो इनकी बातें सुनकर उल्टी आ रही थी, पानी में डूबने का मन कर रहा था। सरदार वैसे अच्छा ही हुआ कि हवा कभी उसके घर के ओर नहीं चली और कप्तान का दिल टूट गया। मतलब? अगर कप्तान का दिल नहीं टूटता तो क्या वो इतने बड़े समुद्री लुटेरे बन पाते? बात तो सही है। पागल कहीं का, जल्दी चलो अब पतंग उड़ाने। हाँ चलो। अरे ओ कलवा देख मैं कैसे पतंग उड़ाता हूँ। अब मेरा कमाल देखना। अरे वाह मजा आ रहा है इतने दिन बाद पतंग उड़ाते हुए। ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कलवा देख मेरी पतंग कैसे नाच रही है। गब्बर पागल कहीं के अपनी पतंग मेरे पतंग से दूर ले जा, मेरी पतंग कट जाएगी। अरे सांभा देखा देखा मेरा खोप। सरदार आपका तो जवाब ही नहीं। गब्बर पागल कहीं के ठीक से ध्यान दे वरना हम दोनों की पतंग कट जाएगी। अरे ये क्या हो गया? पागल कहीं के कहा था ना पतंग को दूर ले जा, कट गई ना दोनों की पतंग। अरे ओ कलवा पागल कहीं के चिंता मत कर हम नई पतंग बना लेंगे। पागल हमारे पास पतंग बनाने का सामान खत्म हो गया है। क्या? हाँ तो अब क्या? मुझे क्या पता। कलवा सामने जो टापू आने वाला है ना, मैंने सुना है उस टापू पर उस अंधे गुंगे बहरे ने अपनी पतंग की दुकान खोली है। गब्बर कप्तान ने कहा है चाहे आंधी आए या तूफान पर जहाज को नहीं रोकना है। पागल इसका मतलब आंधी और तूफान आए तो जहाज को नहीं रोकना है, पर अब तो कोई आंधी और तूफान नहीं आया है ना, इसका मतलब हम अब जहाज को रोक सकते हैं। क्या? हाँ। अरे वाह सरदार आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं।
मैं बहुत होशियार हूँ, मैं आलिया भट्ट से भी बड़ा साइंटिस्ट हूँ। पागल, आलिया भट्ट नहीं, आर्य भट्ट। हाँ, आर्य भट्ट। सांभा, मैंने कहा ना आलिया भट्ट साइंटिस्ट है, तो आलिया भट्ट ही साइंटिस्ट है। ठीक है, जल्दी चलो अब। हाँ चलो। तो यह है इनकी पतंग की दुकान। दया, भोला, आज हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। बसंती, रिया, अपना काम अच्छे से करना। हाँ, चिंता मत करो, आज तो लोगों को उल्लू बनाकर उनसे बहुत सारे पैसे लूटेंगे। सब लोग, ओ देखो, गब्बर और कलवा आ रहे हैं। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। कलवा, हैंडसम कलवा, खूबसूरत कलवा। गब्बर, कलवा, तुम्हारा स्वागत है हमारी शाही पतंग की दुकान में। क्या, शाही? हाँ। अरे, क्या तुम यहाँ पतंग खरीदने आए हो? लगता है तुम बहुत अमीर हो। तुम कितने खूबसूरत हो। अरे ओ कालिया, एक खूबसूरत कन्या कौन है? पता नहीं कौन है, जैसे ही तुम दोनों दिखे तुमसे मिलने चली आई। अरे सांभा, लगता है लड़की मेरे प्यार में पड़ गई। तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मैं हूँ रिया। और मैं हूँ बसंती। कलवा, तुम सबसे महंगी पतंग खरीदना, फिर हम एक साथ पतंग उड़ाएंगे। गब्बर, तुम भी बड़ी महंगी वाली पतंग खरीदना, हम एक साथ पतंग उड़ाएंगे। हाँ ठीक है। देखो, ये है 100 रुपए का पतंग। बड़ी महंगी है। हाँ सही कहा। क्या महंगा? कलवा, लगता है तुम्हें मेरे साथ पतंग नहीं उड़ानी। अरे अरे, मेरा मतलब है कि और महंगी पतंग दो। हाँ और महंगी। ए लो 1000 की पतंग। और महंगी। ए लो 10000 की पतंग। और महंगी। ए लो 50000 की पतंग। गब्बर, तुम उस कलवा से भी बड़ी महंगी पतंग खरीदना, वरना मैं उस कलवा के साथ पतंग उड़ाऊंगी। कलवा, अगर तुमने महंगी पतंग नहीं खरीदी तो मैं गब्बर के साथ पतंग उड़ाऊंगी। क्या? नहीं। बिल्लू, जा के जहाज का सारा खजाना और सारा पैसा लेके आ। हाँ ठीक है। अरे सांभा, जा बिल्लू से पहले सारा खजाना और सारा पैसा ले आ। ठीक है सरदार। बिल्लू, ये दोनों पागल सारा का सारा खजाना लुटा देंगे। चलो हम दोनों कप्तान को उठाते हैं। हाँ चलो। जल्दी करो, मुझे 1 लाख की पतंग दो। मुझे 2 लाख की दो। 3 लाख। 10 लाख। 20 लाख। 50 लाख। 1 करोड़। 10 करोड़। 50 करोड़। 80 करोड़। 100 करोड़। गब्बर, कलवा, तुम्हारी खैर नहीं अब। अरे ये तो कप्तान महाबली की आवाज है, भागो भागो सब। सांभा, उड़ाओ तोप से इन्हें। अरे नहीं नहीं, भागो भागो। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ।